ये क्या लिखा है आपने? आपने बोला था ना मसाला डालने के लिए, मैंने पूरा डब्बा डाल दिया। शैला, हाँ यही नाम था उस ट्यूशन टीचर का। मैं जब भी उसे देखता मेरी कामनाओं के सैकड़ों नाग फन फैलाए खड़े हो जाते। और क्यों ना हो, शैला का कोरे कागज की भांति श्वेत बदन आमंत्रित भी तो करता था कि कोई अपनी कलम से उस पर कामुक कविता लिख दे, जबकि उसका खुद का पति शायद अब तक दस्तखत भी नहीं कर पाया था। आज सही मौका मिल गया था मुझे। एक तो उसका पति घर पे नहीं था और ऊपर से शैला के कमरे की खिड़की का खुला पर्दा मुझे आमंत्रित कर रहा था। मैं उस खुली खिड़की से अभी अभी नहा कर आई शैला के एक एक अंग का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया। क्या चाहिए राम? किताब। तो अंदर आके ले ले। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। अब मुझे शैला के बदन की लिखावट का एक एक हर्फ पढ़ने का बड़े करीब से मौका मिल गया था। मैं किताब की ओर से कत्थे ब्लाउज में लिपटे शैला के उतार चढ़ाव देख ही रहा था और सुन कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली। जरा ये हुक्स बंद कर दे। मैं किसी कुशल पर्वतारोही की भांति पहाड़ों की सैर पर निकल पड़ा था और शैला इस यात्रा में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। शैला को छूते ही मेरी कामनाओं के नाक फुंकारने लगे थे। उसने मुझे बाहों में लेकर आग में घी डालने का काम कर दिया था। बस फिर क्या था, कूद पड़ा मैं उस खाई में, मैं और शैला पूरी तरह से भीग चुके थे और इस तरह से बरसी मुझ पे यौवन की पहली बरसात। पकड़ो यार, हम अभी आते हैं। भक्ति, यहां मत पढ़ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। इन्हें जानने के लिए अगर आपने अभी तक अपने पापा चाचा ताऊ से संपर्क नहीं किया तो कब करेंगे?